देखो सुबह से लड्डू तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। सो हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब? एक मिनट रुको रुको। हाँ, शादी वाले घर में आए ना, लगना चाहिए थोड़ा शादी वाले घर में आए। सो हेलो इंडिया, कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे। हम लोग यहाँ मस्त हैं, बनबसा में व्यस्त हैं, क्योंकि शादी का घर है और व्यस्त ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और अभी हम लोग हैं बनबसा चंदनी में। चंदनी यहाँ का नाम है, जो यहाँ का लोकल, जो मतलब छोटा सा मोटा गाँव बोल लो, गाँव टाइप का ये इलाका पूरा, क्योंकि ये देखो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, पूरा मतलब गाँव वाला क्षेत्र है। पीछे से वहाँ से, वहाँ के बाद टनकपुर क्रॉस पिथौरा करके रोड कट जाती है। मेन गेट बन चुका है, सुबह सुबह तैयार हो चुका है मेन गेट। और कल आपने देख लिया महिला संगीत वगैरह पूरा हो चुकी है, महिला संगीत मेहंदी हो चुकी है। और आज 21 तारीख ना, आज 21 तारीख है और आज शादी है। अभी 10 बज रहा है सुबह का। सामने टीका चंदन, ये नंदन, सामने टीका चंदन और ये सामने बैठा नंदन। शादी के लिए एकदम तैयार है, पूरा गेटअप हमारा ऊपर से दिखा दो एक बार कैमरामैन। तो शादी के लिए रेडी है और अंदर का सीन दिखाते हैं हम आपको। जरा सामने यहाँ पे मंडप बन रहा है, तो यार पीछे साइड जो था वहाँ पे मंडप वगैरह था जो भी था, और इस साइड जो टेंट लगा है जहाँ खाना वाना जो होगा यहीं होगा इस तरफ। वो भी यहाँ पे सुनसान चल रही है, हम लोग कम जितना कम हो सकता है उतना वाला सीन है यहाँ। और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं, ज़्यादा कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया सब मस्त है, मस्त चल रही ज़िंदगी। और नेपाली लोगों के साथ तो बात करने मजा ही आ रहा है, 2-3 लड़कियाँ नेपाली, उनके साथ बातें बातें कर रहे हैं, नेपाली सीख रहे थोड़ा बहुत। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। हमारी दुल्हन मैडम गए हैं। दुल्हन मैडम नहीं है यहाँ, दुल्हन मैडम गायब होगी। प्यारी समझ गई। और यहाँ के लोग हमारे हॉटस्पॉट पे जी रहे, मीट नेपाली गर्ल। काम चल रहा है, ये देखो ये नेपाली लड़की, ये भी नेपाली है। तो मैं सच बताऊँ, ये नेपाली बहुत स्मार्ट होते हैं, ये देखो। लेकिन शैतान भी होते हैं, ऐसा भी है। और थोड़ा कम होता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिमाग तो कम होता ही है, दिमाग सच में कम होता है। तो मुश्किल काम हमको दे रखा, बता बच्चे को तैयार करने का, और ये बच्चा है कि मान ही नहीं है सच में यार। मतलब सबसे मुश्किल काम है बच्चे को रेडी करना, मम्मी तो इसकी चलेगी बच्चे की। और ये रेडी हो रहे हैं, यहाँ चल रहा है अंदर सुयाग जो होते हैं, ये काम चल रहा है यहाँ पे। तो फाइनल लुक बाबू भाई का कुछ ऐसा रहा। A few moments later. गौर से देखिए शख्स को, अगर पहचानने वाले तो बताइए। इस खूबसूरती का राज ये रहा देखो। हेयर वॉश कराने के लिए आ रही है ममता। ये सारे हथियार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हथियार बोले। ठीक है, थोड़ी देर में दिखाते हैं इनको फाइनल लुक कैसा आ रहा है। तुम्हारे यही है यार, असली तुम्हारे बाबू यही है। स्माइल देखो। गोली भाई हमारे पता नहीं सफेद कपड़े पहनने वाले आज पूरे, नीचे ऊपर तो सफेद सफेद। और मैं तो भाई जो मिल जाए वो है। गोली भाई तो ऐसे इंसान है जो ड्रायर लेके आते हैं और कच्छा लाना भूल जाते हैं। देखो इतना फैशनेबल लौंडा बोलते हैं हम तो सीधे साधे फकीर आदमी है, झोले झंडी पकड़ेंगे चल देंगे। ये देखो डेनिम भी लेके आया है बंदा, ये डेनिम साल। गाइस ये देखो गोली भाई का फाइनल लुक, देखते हो रे। तो ये देखो गोली भाई का फाइनल लुक, और एक बार मेरा देख लो, मैं भी दिखा दे जरा। तो गाइस मेरा फाइनल लुक देखो, क्या मैंने क्या मैंने या अरे भैया तू तो देख लियो। तो ये है, हम ऐसे तैयार होके जाएंगे आज तो शादी में, तब इनके गाएंगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। तो यही हमारा मेहमान शादी माने का फायदा यही है, किसी को कपड़े पहनाने, किसी को लिपस्टिक उतारनी पड़ रही है, लगाते ही गंदे गंदे चीजें। सब लोग तैयार हो चुके हैं, सबसे तैयार हो गया है, मैं तो ऐसा ही है, 2 सेकंड लगता है तैयार होने में। और बाहर का देखो मंडप रेडी। A few moments later. तो फाइनली बारात आ चुकी है, थोड़ा बहुत हम भी रेडी हो चुके हैं, थोड़ा बहुत क्या, ये देखो यही हुआ रेडी भाई बाकी। और पीछे रहा घर जहाँ से हम आ चुके अभी, और सारे बारात लेने के लिए कहीं। तो फाइनली बारात आ चुकी है, बस आई नहीं बिल्कुल भी, बस आई नहीं बिल्कुल भी। कोई पूरी बारात सुनसान है, ये सुनसान हम ही नाचने वाले बस।
फाइनली बारात आ चुकी है पास में, सामने यहाँ सेंड वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे बारात दोनों तरफा एक तरफ कर ली। देखो ये है दूल्हा की पार्टी और ये है दुल्हन की पार्टी। दुल्हन क्या है? दुल्हन बता दिया गया है। दुल्हन क्या है? दुल्हन की आएगी यहाँ पे। अच्छा हाँ दुल्हन की आएगी यहाँ पे। चलो ये देखो कोई नाच, कोई नाचने वाला नहीं है यहाँ से, कोई नाचने वाला नहीं है, हम कोई नाचना पड़ेगा जाके अभी। फाइनल गेटअप देखो दुल्हन का कितना। अरे तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। फिर क्या था, कुछ पल इंतजार करने के बाद फिलहाल दुल्हन को छोड़ के आ चुके, दूल्हे के हवाले करके आ गए हम लोग। बाकी अपना काम जितना था हो गया है, पैसा मिल गया अपने को। चलते हैं आगे को, बस ये रखनी चुनरी वगैरह रखते हैं अंदर, उसके बाद आगे का देखते हैं सीन, के सीन शॉर्ट रहता है। तो इट्स टाइम टू फोटो सेशन ऑन स्टेज, जहाँ पे हमारी दुल्हन इंतजार कर रही है वर्ल्ड कप से हमारा, लेकिन यार धूप के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम माफी चाहेंगे। अपनी जगह कहाँ पे भी इसमें कहीं दिख रहा है कोई? यहाँ पे तैयारी हो रही भी, सामने मंडप और क्या बोलते हैं इसको, मतलब फेरे वगैरह यहीं पे होंगे अभी थोड़ी देर में, दिखाते हैं आपको जरा। गाइस ये देखो ये हो रही है रस्में। हेलो पंडित जी बैठे कुर्सी में और वहाँ बनते चल रहे सही मस्त हो रहा है एकदम बढ़िया गा रही हूँ। तो फाइनली अभी बज रहे शाम के 5:30 हो चुका है और फिलहाल वक्त हो चुका है अभी अभी पता नहीं क्या वक्त चल रहा है, फेरे वगैरह हो चुके सब कुछ हो चुका है, हम लोग छत में टहल रहे हैं ऐसे और नीचे देखो प्रोग्राम चल रहे हैं नीचे, यू कैन सी। और देखो ये देखो सामने सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है और ये लोग अभी तक यहाँ कार्यक्रम होने में ही है। इसके बाद हमारा अभी नया काम मिला है हमको, दुल्हन को छोड़ना है उसके घर, दुल्हन को छोड़ के आएंगे और फिर कल वहाँ रिसेप्शन होगा, कल वहाँ का रिसेप्शन अटेंड करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है अभी तक। बाकी कभी प्लान के साथ से नहीं होता, क्योंकि हम होती इसलिए कोई कम नहीं होती। फाइनली दुल्हन को अलविदा करके आ चुके हैं हम लोग और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। कल जाएंगे यहाँ से हम नेपाल, कनकपुर बनसल से होते हुए नेपाल जाएंगे, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो हमको अपने साथ ले जा रहे हैं नेपाल, क्योंकि इतने दिनों से हमने उनकी खातिरदारी की थी, वो लोग हमारी नेपाल में खातिरदारी करेंगे एक दो दिन अप्रॉक्स
चलते हैं, कल मिलते हैं सीधे। फाइनली जैसा ये होता है कि दुल्हन की अलविदा होने के बाद घर से घर में जो शांति होती है वो शांति इन लड़की ने भंग कर रखी है।